भाई जी ने ये गिफ्ट कर दिया देखो। बिल्कुल बोला ले जा तू, कोई गल नहीं। दोस्तों अभी तक भी हम टनल के अंदर ही हैं और टनल यहाँ से शायद हम 2-3 किलोमीटर तो नमस्कार दोस्तों, मैं बर्फी वाइन से अभिनव शर्मा आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कुल्लू, अभी दोपहर के हुए हैं 2। पहली बात तो ये कि हम अचानक कुल्लू जा रहे हैं क्योंकि हमने जाना था कल सुबह, पर कुछ रीज़नों के कारण अभी हम इस टाइम दोपहर के 2 बजे जा रहे हैं कुल्लू। अभी कोई भी प्रोग्राम नहीं है कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं। वैसे हमारा एक दोस्त है वहाँ पे, मेरे भाई ने कॉल कर दी, उसका दोस्त है, तो देखते हैं अभी क्या बनता है और क्या नहीं। उसके पास हम पहले भी गए थे, जब हम खीर गंगा गए थे ना तो भाई रुके थे, अभी देखते हैं क्या बनता है। पैसे तो हमने कल जाना था पर अब क्या करें, अचानक जाना पड़ रहा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मैंने उसे कहा कि गाड़ी नीचे लगा थोड़ा, मैं नीचे ही आऊँगा सीधा, क्योंकि ठीक से लगता है एक तो ना बेरोज़गारी, ऊपर से बस यही सब घूमना फिरना ही हो गया लाइफ में, तो ठीक से लगता है। तो अब वो कर रहा है मेरा वेट, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर। अब आप देख सकते हैं ये सारे खेतों में जो अब गेहूँ होगी और ये जोत दी हैं, अब थोड़े दिनों बाद अब इनमें थोड़ी सी हल्की हल्की गेहूँ निकलने लग पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं, देखो विकास मेरा वेट कर रहा है, मैं हमेशा लेट करवाता हूँ। जो भी हो सबसे लास्ट में मैं ही आता हूँ। तो दोस्तों मैं और विकास, आपको बताया मैंने घर से भाग गए क्योंकि एक ट्रिप जो था कल सुबह से स्टार्ट होना था, लेकिन हमें दोनों को, मतलब मेरे को क्या इसको ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी भागने की घर से, थोड़ा सा ऐसा है कि घर में सोमवार को जाऊंगा ड्यूटी, सोमवार को ये जा रहा है वापस क्योंकि इस बार इसकी छुट्टी जो है 10 ही दिन थी, इसलिए हम जा रहे हैं आज ही। ऐसे कल सुबह से होना था ट्रिप स्टार्ट कुल्लू, अभी कोई पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, बस इतना पता है कि कुल्लू जा रहे हैं हम अपने दोस्त के पास। तो दोस्तों हमने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, मुनीश भाई जी को, कि हम मंडी आ रहे हैं, तो पता लगा कि अंकल उनके फादर भी मंडी जा रहे हैं, तो अब हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके जाओ के पास, बाईपास के पास, क्योंकि वो भी तो मंडी जा रहे हैं, तो क्यों बस में, ऐसे हम 2 ही तो हैं तो बस में जाना उन्होंने, तो हमने बोला कि उनको भी साथ में लेके जाते हैं। तो अभी आ रहे हैं, 10-15 मिनट लग जाएंगे हमें यहाँ पे उनका वेट करते करते, देखते हैं क्या बनता है। ये अपने रोड वाली बस, तो दोस्तों रास्ते में देखिए पानी, ये देखिए बावड़ी बोलते हैं, ये लिखा हुआ बावड़ी, तो पानी भर रहे हैं हम, इससे ठंडा पानी और शुद्ध पानी नहीं मिलेगा कहीं भी, और यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से बाहर को, और हमने दोनों बोतलें भर ली हैं पानी की। दोस्तों हम पहुंच गए हैं नेर चौक, अब नेर चौक से मंडी जो है ना शायद 10 या 12 किलोमीटर है, तो जल्दी हम मंडी पहुंच जाएंगे।
तो दोस्तों सामने वाली पहाड़ी पे जो एक मंदिर दिख रहा होगा आपको, वो देखिए ज़रा, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। ये जो सामने है ना, ये मंदिर जो है माता का मंदिर है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, ये देखिए ऊपर से सारा ही पहाड़ नीचे आ गया था। वो वाला बाईपास जो अभी बंद है, यहाँ से बाईपास जाता है सामने को, और वो बंद है, बिल्कुल ही बंद हो गया। ये पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे तक आ गया था। तो दोस्तों हम पहुंच गए इंदिरा मार्केट, आप देख सकते हैं ये है इंदिरा मार्केट। हम पहुंच गए हैं मंडी, और फाइनली हम अभी मंडी पहुंच गए हैं, और मंडी भाई जी के पास जा रहे हैं। फाइनली अब 5:06 पर भाई जी के रूम में पहुंच गए हैं। भाई जी ने ये गिफ्ट कर दिया, देखो बिल्कुल बोला ले जा, तो कोई गल नहीं। क्या आए थी गड्डी लाई है, दोस्तों हम जा रहे हैं यहाँ से मंडी से, अब सीधे हम कुल्लू ही रुकेंगे, इससे पीछे हमने ब्रेक लेनी ही नहीं है। तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सोचा था एक दो मंदिर घूमते, पर थोड़ा सा भाई ने खाना पीने में ही ज़्यादा जोर दिया, तो खाने में पीना पानी भी पी सकता है थोड़ी भाई, पानी भी पी, कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी पी हमने। दोस्तों ये जो सामने मंदिर है, ये है भीमा काली का मंदिर। तो गाइस अभी हम पंडो डैम के पास पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो था पुराना वाला मेन रोड जो था, वो इस बार लैंडस्लाइड में जो है बह गया है, तो वो रोड बंद है। यहाँ से इन्होंने शॉर्टकट निकाला हुआ है, वो निकलेगा ऊपर जो सेल्फी पॉइंट होता है ना, जहाँ से पंडो डैम के लिए हम फोटोज़ वगैरह खींचते हैं ऊपर से, वहीं पे निकलेगा ये। तो दोस्तों अब हम अपने वही पुराने वाले मेन हाईवे पर मिल गए हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ था। तो दोस्तों रोड की हालत आप देख सकते हैं कैसी है, मेन रोड है ये कुल्लू मनाली वाला मेन रोड, देख सकते हैं आप। जो कर दी सी चलाकियां इतनी हो रहा है, इतनी गायना दी ने कर दी सी तू चलाकियां, मेरे वर्गा चला गया कि नहीं, तेरे वर्गा चला कुछ नहीं। देखिए अभी तक भी हम टर्नल के अंदर हैं, एक खत्म दूसरी शुरू, एक खत्म हो गई, अब दूसरी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों अभी तक भी हम टर्नल के अंदर ही हैं, और टर्नल यहाँ से शायद अब 2-3 किलोमीटर तो हम टनल के अंदर ही चले गए हैं तब से, अभी देखते हैं ज़्यादा हो गया है।
क्योंकि अभी उन्होंने जो दूसरे वाला रोड जो ख़राब हो गया है तो उन्होंने ये वाली ओपन कर दी है। वैसे तो ये पीछे अभी पीछे ये बन ही रही है काफ़ी, अभी जब ये पूरी बन के तैयार हो जाएगी तो लगातार ही टनल में जाएगी और सीधे मनाली। तो फाइनली अभी हम टनल से बाहर निकल गए हैं और ये देखिए दोस्तों, और नेटवर्क भी आ गया। चलो